कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ये कुछ शक नहीं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये क्या है? नो 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 नो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं नवनियुक्त मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी मौजूद हैं। इस बीच कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो जाता है, जिसमें वसुंधरा राजे जी खिलखिलाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रही हैं। इसके बाद अशोक गहलोत जी तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर हाथ मिलाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के विपक्षी नेता का इस तरह से हाथ मिलाना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एक तरफ जहां लोग कयास लगा रहे हैं कि राजे जी 2024 में मोदी को छोड़कर कांग्रेस में जा सकती हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री का इस तरह से हाथ मिलाना राजस्थान से बड़ी राजनीति का संकेत भी हो सकता है। हो सकता है वसुंधरा राजे जी अशोक गहलोत के साथ मिलकर अपनी सरकार बना लें। कुछ भी हो सकता है। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में इस तरह से हाथ मिलाने पर लोग अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जो कि काफी वायरल हो रहा है। तो वायरल हो रहे वीडियो पर एक यूजर ने लिखा कि खेला होना तय है, मौके की तलाश है। नरेंद्र चौहान नाम के यूजर ने लिखा कि ये तीनों क्या खिचड़ी पका रहे हैं। मंतोष यादव का कहना है कुछ महीनों के बाद होने वाला खेला का दृश्य है। विश्वास जी लिखते हैं कि वसुंधरा भी लाइक कर लेने दो इनको शपथ का नाटक, 6 महीने में सरकार गिरा दूंगी। दूसरे यूजर ने लिखा कि सीन इज गुड। आफिस शिवप्रकाश यादव नाम के लिखते हैं कि सारे विश्व में भारत ही एकमात्र देश है जहां के लोगों को अपने भविष्य की चिंता 1% और अपनी जाति के नेताओं के भविष्य की चिंता 99% होती है। इरशाद खान नाम के यूजर लिखते हैं और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल के शपथ के साथ ही राजस्थान के एक युग का अंत हुआ, अशोक गहलोत वसुंधरा राजे। ओम प्रकाश नाम के यूजर ने लिखा कि खेला होगा जरूर होगा। फिलहाल दोस्तों वायरल हो रहे इस प्रकार से अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का हाथ मिलाना अपने आप में क्या कुछ कहता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।